केविन लेविन ने ओमनीट्रिक्स को ऑब्जर्व किया है और अल्टीमेट्रिक्स को भी ऑब्जर्व किया है, पर क्या वो नेमेट्रिक्स को ऑब्जर्व कर पाएगा? वैसे तो ओमनीट्रिक्स और नेमेट्रिक्स में कई समानता है। ये दो डिवाइसेस में एलियंस का डीएनए स्टोर होकर रहता है, जो कि अपने यूजर को उनके सिलेक्टेड एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवाते है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ओमनीट्रिक्स में सापेंट एलियन स्पीसीज का डीएनए है, वही नेमेट्रिक्स में नॉन सापेंट एलियन स्पीसीज का डीएनए है। इसीलिए इस डिवाइस को कोई नॉन सापेंट एलियन ही यूज कर सकता है। सापेंट स्पीसीज नेमेट्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते है। केविन भी एक सापेंट स्पीसीज में आता है ऑब्वियसली, तो शायद वो नेमेट्रिक्स के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब उसने क्लासिक ओमनीट्रिक्स को ऑब्जर्व किया था, तब वो एक म्यूटेंट बन गया था और काफी हद तक अनकंट्रोल्ड हो गया था। वो अपने पावर्स को काबू नहीं कर पा रहा था और दूसरों को मारने का कोशिश कर रहा था। जब उसने अल्टीमेट्रिक्स को ऑब्जर्व किया था, तब भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था, पर वो पूरी तरह बेकाबू नहीं हुआ था। उसे तब याद था कि उसके दोस्त कौन है, लेकिन वो काफी हद तक अनकंट्रोल्ड हो गया था। इसके बाद जब उसने ओमनीवर्स वाले ओमनीट्रिक्स को ऑब्जर्व किया था, तब वो म्यूटेट तो हुआ, पर वो अनकंट्रोल्ड नहीं हुआ। उसका खुद के ऊपर और अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल आ चुकी थी। अगर ऐसा है, तो वो क्या नेमेट्रिक्स को ऑब्जर्व करके उसके पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं, वो ये नहीं कर सकता है। अगर वो किसी भी नॉन सापेंट डीएनए को ऑब्जर्व करेगा, तो वो जरूर बेकाबू हो जाएगा, या फिर हालात उससे भी बदतर हो सकते है। ओमनीवर्स वाले ओमनीट्रिक्स को ऑब्जर्व करके उसने लगभग 63 सापेंट एलियन स्पीसीज के पावर्स को काबू कर लिया था। इसके बाद भी उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी, वो बेहोश होने वाला था। तो इस टाइम भी केविन नेमेट्रिक्स के पावर्स को हैंडल करने का कैपेबल नहीं है, और शायद केविन 11,000 ऐसा कर सकता है। वो नेमेट्रिक्स के पावर्स को ऑब्जर्व करके उन नॉन सपोर्ट एलियंस के पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा करने से वो बेकाबू नहीं होगा, न ही उसके हेल्थ के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि केविन 11,000 के पास पूरे 11,000 सपोर्ट एलियंस का पावर्स है। अगर वो पूरे 11,000 एलियंस के पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो नेमेट्रिक्स के सिर्फ 10 नॉन सपोर्ट एलियंस के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा? केविन 11,000 हमारे केविन 11 से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब उसके पास 11,000 एलियंस के पावर्स है और वो जब चाहे तब म्यूटेड हो सकता है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। पेन के 10,000 एलियंस के साथ उसके पास एक्स्ट्रा 1000 एलियंस की ताकत है। मेरे हिसाब से केविन 11,000 नेमेट्रिक्स को जरूर ऑब्जर्व कर पाएगा, पर आपको क्या लगता है, केविन नेमेट्रिक्स को ऑब्जर्व कर पाएगा या नहीं, नीचे कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप ये जानना चाहते हो कि केविन बायोनेट्रिक्स को ऑब्जर्व कर सकता है या नहीं, तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।